पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का चर्चा कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 के 3 तक का चर्चा किए थे। 4, 5, 6, 7, 8 ये आप खुद से बना करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। फिलहाल चर्चा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, कुछ क्वेश्चन खुद से भी बनाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2 का पावर x, 3 का पावर y = 12 का पावर z। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, तो समझ लीजिए ये कैसे सॉल्व होने वाला है। 2 का पावर x = 3 का पावर y। सबसे पहला काम कि इसको लेट करेंगे 2 का पावर x, मार्कर टू द इंक, लेट 2 का पावर x = 3 का पावर y = 12 का पावर z। इसको दो सेक्शंस में हम बनाएंगे। तो हम इसको मान लिए के बराबर, किसके बराबर माने हैं, के बराबर। अब 2 का पावर x = k है, 2 का पावर x है बराबर k है, तो अब क्या करेंगे, 1/x से पावर में 1/x से इधर भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको 2 सिंपल चाहिए, 2 का पावर x नहीं चाहिए, 2 का पावर हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, इसको x से डिवाइड करना होगा, यानी 1/x से मल्टीप्लाई करना होगा इस x को, इस x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कटेगा। तो जी पावर में ऐसा हम कर रहे हैं, तो पावर में हम ऐसा कर रहे हैं 2 के पावर x के साथ, तब 2 के पावर x में क्या किए हैं, इसको k माने हैं, तो 2 का पावर ही हो गया है x/x = k/1/x। ये x से x कट गया, 2 का पावर x से x कट गया, तो ये हो गया 2 = k/1/x। इसी तरह हम क्या करेंगे, 3 के पावर y को k बराबर मानेंगे, तो 3 बराबर हो जाएगा k/1/y। इसी तरह हम मानेंगे 12 के पावर z को k बराबर, तो हमारा 12 बराबर होगा k/1/z। अब यहां से हम उठा लेंगे एक लास्ट वाला, 12 बराबर k/1/z। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 से 6, 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1, यानी 2 का स्क्वायर। 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3। 2 का वैल्यू क्या है, 2 बराबर क्या आया है, 2 बराबर आया k/1/x, तो 2 के जगह हम रखेंगे k/1/x। ये चीज अच्छे से समझिए, 2 के जगह हम क्या रख रहे हैं, k/1/x, और इसका है स्क्वायर तो रहेगा स्क्वायर इंटू 3, तो 3 का वैल्यू क्या है, k/1/y, तो हम यहां रख रहे हैं 3 के जगह k/1/y = क्या है, k/1/z, ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा k/2x (k/1/y) = k/1/z। अब यहां से k क्या हो जाएगा, 2x + 1y = k/1/z। ये तो मल्टीप्लाई में था, तो पावर को हम क्या किए हैं, ऐड किए हैं, पावर हमारा ऐड हो गया, तो 2x + 1y = अब इधर भी k है, इक्वल्स टू के उस साइड भी k है, तो दोनों का पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी 2x + 1y बराबर हमारा हो जाएगा 1z। और हमको क्या प्रूफ करना था, 1z = 1y + 2x, तो देखिए ये प्रूफ हो गया हमारा, तो बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन बताते हैं, उससे फिर समझ में आएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है 2 का पावर x = 3 का पावर y। अब ये है 2 का पावर x = 3 का पावर y = 6 का पावर -8। क्या करेंगे, लेट 2 का पावर x = 3 का पावर y = 6 का पावर -z = k मान लिए। तो यहां से 2 का पावर x = जब k मानिएगा तो वैल्यू क्या आएगा मालूम है, आएगा आपका 2 का पावर x = जब आप k माने हो, 2 का पावर x = k, तो यहां से आपका 2 बराबर आएगा k/1/x, यानी ये x इधर आ जा रहा है। बताए हैं कैसे आया है, 3 का पावर y = 6 का k मानेंगे आप, तो यहां से 3 बराबर आएगा k/1/y। इसी तरह 6 का पावर -z = अगर आप k मानते हैं, तो यहां से 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 बराबर। अब यहां क्या करना होगा, -1/z से डिवाइड करना होगा, तो k/1 आ जाएगा यहां पर, इधर माइनस था इसलिए -1/z। अब यहां से 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर दिया हुआ है k/-1/z, यही उठा है, तो 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 into 3,
इज इक्वल टू के का पावर माइनस वन बाई जेड। अब टू मतलब टू के जगह टू बराबर क्या है, के का पावर वन बाई एक्स, तो यहां होगा के का पावर वन बाई एक्स। थ्री के जगह क्या है, के का पावर वन बाई वाई, तो के का पावर वन बाई वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या है, के का पावर माइनस वन बाई जेड, तो के का पावर माइनस वन बाई जेड। अब इसको समझते हैं कि कैसे होगा यहां से। तो ये k का पावर 1 बाई एक्स, k का पावर 1 बाई वाई इक्वल टू इतना है, तो हम यहां से सॉल्व करते हैं इसको, उधर ऐड हो जाएगा पावर, तो k का पावर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू k का पावर माइनस 1 बाई जेड। अब देखिए दोनों साइड पावर, दोनों साइड k के है, तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, पावर को इक्वेट करते हैं, तो यहां हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड। तो यानी ये हमारा हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, इधर ले आएंगे बराबर 0। आ गया जो प्रूव करना था। सो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछला क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेट a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर z बराबर हम k मानते हैं। तो अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, उसको समझना है। ये a का पावर x इज इक्वल टू जब k मानेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा k का पावर 1 बाई एक्स, b का पावर y बराबर k मानेंगे तो b बराबर होगा k का पावर 1 अपॉन y, और c का पावर z बराबर मानेंगे k, तो हमारा c बराबर होगा k का पावर 1 बाई जेड। अब हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, कुछ गिवन है, वो गिवन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो हम यहां रखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब b का वैल्यू क्या है, k का पावर 1 बाई वाई, तो k का पावर 1 बाई वाई का ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी, यानी a का वैल्यू है k का पावर 1 बाई एक्स, तो k का पावर 1 बाई एक्स इन टू c का वैल्यू है k का पावर 1 बाई जेड, 1 बाई जेड, ये हो जाएगा k का पावर 2 बाई वाई इज इक्वल टू k का पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे, यहां से 2 बाई वाई हो गया इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करते हैं इसको यहां से उठा करके, तो ये दोनों इधर भी k है इधर भी k है, दोनों का पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो 2 अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, इसमें जेड प्लस एक्स है, तो अब हमको क्या करना होगा, एलसीएम पहले लेना होगा, एलसीएम लेने से फायदा 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 फायदा, नुकसान कुछ नहीं, एलसीएम लेना है मतलब लेना है, तो ये 2 बाई वाई इज इक्वल टू हुआ, यहां नीचे होगा एलसीएम एक्स प्लस जेड, ऊपर जेड से गुना होगा तो जेड प्लस, और यहां हो जाएगा एक्स, अब ये 2 एक्स जेड हो जाएगा ऊपर में, अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, एक मिनट ये y कहां से आ गया, 2 अपॉन y 2 अपॉन y 2 अपॉन y, तो अब ये y कहां से आ गया, तो y क्वेश्चन में इसलिए आ गया, और कहां से आ गया, तो अब क्या करना है, z प्लस x कहां आएगा, यहां आएगा z प्लस x, यहां आ गया, और ये y कहां गया, यहां, तो इज इक्वल टू y, यही प्रूव करना था हमको, y बराबर इतना। तो ये हो गया आपका 7 नंबर तक फिनिश। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है 8 नंबर 9 नंबर, इसी टाइप से बनेगा। अब आप जान लीजिए, एक हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना चाहिए आप लोगों को, खुद से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए, हम तो सारा बताएंगे, कुछ आपके ऊपर भी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 का पावर x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का 2 का पावर 20 रेडिकल में 5, 2 का पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 का पावर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पावर 20 रेडिकल में 5। दिस इज द वेरी क्वेश्चन। अब ये डिवाइड है तो क्या होगा, 2 का पावर 5x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, 2 का पावर 20 अपॉन 5, तो 5x में से x घटा तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4x इज इक्वल टू 5, 4 जा 20, तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये भी 2 ये भी 2, तो 4x बराबर होगा 4, तो x इज इक्वल टू होगा 4 बाई 4, कट के कितना आया 1, यही होगा आंसर। तो ये 10 नंबर बनाने का तरीका हुआ, 11 नंबर 12 नंबर ये सब इसी तरह बनेगा, और अगला इसके बाद भी अगर नहीं बने तो अगला वेट कीजिए, अगला वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उसमें बाकी पूरे का सॉल्यूशंस होगा। थैंक यू।